नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संगम टीवी और दिव्य जागरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार हम भरुआ सुमेरपुर के अंदर होने वाले धार्मिक आयोजन हो या किसी भी प्रकार के जो हो वैसे कार्यक्रम हो, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हम आज देखा जा रहा है नवरात्रि का जो है प्रथम दिन है, द्वितीय दिन है, और इसी प्रकार से जो देखा जा रहा है पूरे कस्बे की अगर बात करें तो लगभग 32 स्थानों पर मूर्ति स्थापना की गई है। जो बड़े पंडाल है, जो परमिशन के माध्यम से जो शासन तक उनकी परमिशन है, तो यानी कि 32 पंडाल जो है सजाए गए हैं भरुआ सुमेरपुर कस्बे के अंदर ही। वहीं अगर पूरे थाना क्षेत्र की बात करें तो लगभग 52 स्थानों पर जो मूर्ति के पंडाल, दुर्गा प्रतिमा के पंडाल लगाए गए हैं। और जैसा कि बात करेंगे, यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे माता रानी विराजमान है, तो ये माता रानी जो है गुफा वाली माता के नाम से भरुआ सुमेरपुर के अंदर जानी जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पूरे अगर क्षेत्र की बात करें तो पूरे क्षेत्र के लोग गुफा वाली माता के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो आप देख पा रहे होंगे 30-32 मूर्तियां जो पंडाल यहाँ पर सजाए जाते हैं। जैसे कि पिछली बार की बात करें तो लगभग 40 पंडाल सजाए गए थे, लेकिन 40 पंडाल में एक यही वो पंडाल है जहाँ पर जो है गुफा का निर्माण किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुफा से याद आपको आती होगी माता वैष्णो की, तो इस प्रकार से जैसा कि आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ कुछ पीछे स्थान है, इसी माता रानी की जहाँ प्रतिमा रखी हुई है इसी स्थान के पीछे जो गुफा का निर्माण किया जाता है, जो फिलहाल अभी कमेटी के लोगों के द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है, और यहाँ पर जो है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस गुफा का जो है अंदर चल के दर्शन करते हैं, जो माता रानी विराजमान रहती हैं, बाबा भैरव के भी दर्शन करते हैं। तो बहुत अच्छा जो है कमेटी के माध्यम से यहाँ नेतृत्व किया जाता है, और तमाम लोग यहाँ कमेटी के लोग बहुत बड़ी अपनी जो है लगन के साथ में इस बड़ी गुफा का निर्माण करते हैं, और लगातार जो कई वर्षों से यह ऐसा निर्माण चला आ रहा है, तो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने दिनों से निर्माण हो रहा है। आइए, जो कमेटी के सदस्य हैं, जरा इनसे ही हम लोग बातचीत करने का प्रयास करते हैं। देखेंगे, सभी भैया लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो भैया आपसे जानेंगे, आप अध्यक्ष हैं जी, क्या नाम हुआ? मोहित कुमार गुप्ता। मोहित भैया है जो अध्यक्ष रूप में इनकी टीम के सारे लोगों ने चुना हुआ है, तो सबसे आइए तो जानते हैं अध्यक्ष जी से, कितने वर्षों से यहाँ पर दुर्गा प्रतिमा रखी जा रही है और कितने वर्षों से गुफा निर्माण किया जा रहा है, और आगे क्या तैयारी है? जी जी, गुफा हमारी 14 साल हो गए गुफा को रखते रखते, बनाते बनाते सभी कमेटी के सदस्य हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे गुफा तैयार करते हैं, पहले हम लोग तैयार करते थे। अब इस समय की प्रेजेंट टाइम की भूमिका ये रची जा रही है कि जो बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं पंडाल पे रहते हैं, वही गुफा का निर्माण करते हैं, खाली हम लोग सहयोग भर देते हैं। हमारी जो माता रानी की पंडाल की जो सेवा होती है, वो 17 साल से सेवा बराबर कर रहे हैं हमारे कमेटी के सदस्य जितने भी हैं, करीब 150 सदस्य हैं हमारी कमेटी में, छोटे बड़े सब एक ही मान होते हैं, कोई इधर पे अध्यक्ष नहीं, कोई उपाध्यक्ष नहीं रहता है, खाली अध्यक्ष की पर्दा हम ही करते हैं अपने हिसाब से। यानी कि ये कहें कि कमेटी के जितने भी लोग हैं लगन के साथ में, बड़ी निष्ठा के साथ में जो है लगातार जो है 14-15 वर्षों से माता रानी की यहाँ जो है दुर्गा प्रतिमा की स्थापना करते चले आ रहे हैं, और विधि विधान के साथ में पूजा करते हुए और नवरात्रि का जो ये पावन पर्व जो है सफल बनाते हैं। तो भैया हमारे साथ में, आप जानने का प्रयास करेंगे जो इस बार जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है अपने जो पंडाल में होने वाले हैं, कौन कौन से कार्यक्रम है, किस किस डेट को रहने? यहाँ पहला कार्यक्रम तो 1 लाख जख्मी का है, जो क्षेत्रीय कलाकार है, और किस दिन रहेगा ये कार्यक्रम? यह 5 तारीख को है, 5 तारीख को है, और उसके बाद जागरण 6 को है, और उसके बाद लास्ट जागरण 8-9 को है। अपने यहाँ कानपुर की पार्टी आने वाली है, जो भी कलाकार है, सभी प्रसिद्ध कलाकार हैं क्षेत्र के और नामी कलाकार हैं, अपने प्रदर्शन दिखाएंगे। जैसे भीड़ की बात करें तो लगभग कितने भक्तों की यहाँ पर भीड़ हो जाती होगी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम जब जब होते हैं? हम प्रतिदिन जब भी कार्यक्रम होता है तो 1000 के आसपास भीड़ रहती है, और सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कार्यक्रम देखकर। यानी कि देखा, जो कमेटी के सदस्य हैं, इन लोगों ने, सभी लोगों ने जानकारी दी कि जो यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं लगभग अच्छी खासी भीड़ हो जाती है, जब जब ये कार्यक्रम ऐसे होते हैं तो लगभग जो है 1000+ लोगों की भीड़ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी सहयोग की आवश्यकता रहती है। तो ऐसे कार्यक्रम वाले जो दिन रहते हैं तो उनमें जो है यहाँ प्रशासन भी जो है आप थोड़ा मुस्तैदी दे, और ताकि किसी प्रकार की वैसी कोई घटना ना हो सके। और देखेंगे जो आगे अभी चलेंगे, आपको जो गुफा का निर्माण हो रहा है, गुफा को भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लगातार देखा जा रहा है माता रानी यहाँ इसी स्थान पर जो है लगभग 14-15 वर्षों से विराजमान हो रही है, और लगातार ये कमेटी के जो भी सदस्य है अपना पूरा समय यहाँ पर जो है देते नजर आते हैं। और भी चलते हैं, और जो भरुआ सुमेरपुर में और भी बड़े बड़े जो पंडाल लगाए गए हैं वहां तक की तस्वीरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैं अजय प्रजापति, संगम टीवी, हमीरपुर। आदमी
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।